नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सम्मान लौटाने वाले साहित्यकार देश में फैला रहे हैं वैचारिक आतंकवाद, रघुवर दास ने कहा। साहित्यकारों द्वारा सम्मान लौटाए जाने के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुट्ठी भर साहित्यकार देश में वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि साहित्यकार जो खुद को समाज का अग्रणी मानते हैं, वह लोकतंत्र में तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साहित्यकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। आरएसएस की चेतावनी, एकता को नजरअंदाज करना खतरनाक। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में चेतावनी दी गई है कि हमारी सांस्कृतिक विविधता में अंतर्निहित एकता को नजरअंदाज करने से देश हिंसक अराजकता की ओर बढ़ सकता है। मुखपत्र में यह भी कहा गया है कि असहिष्णुता को लेकर सरकार के खिलाफ वर्तमान विरोध प्रदर्शन का संबंध बिहार चुनाव से है। ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि इस धारणा को बनाने में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मीडिया जगत का आपस में हाथ मिलाना एक दोहरा मापदंड है, जिसका लक्ष्य सांस्कृतिक मूल्यों के साथ चल रही विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना है। सचिन ने किया भारत पाकिस्तान सीरीज का समर्थन। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की वकालत करते हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि यदि दोनों पड़ोसी देशों की सरकारों को लगता है कि इससे आपसी संबंध बेहतर हो सकते हैं, तो यह सीरीज जरूर आयोजित की जानी चाहिए। पूर्व क्रिकेटरों के लिए आयोजित की जा रही क्रिकेट ऑल स्टार्स 2015 सीरीज में हिस्सा ले रहे पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि कुछ आपसी मुद्दे हैं जिनके बारे में दोनों पड़ोसी देशों की सरकार को सोचने की जरूरत है। साथ ही मेरा मानना है कि भारत पाक संबंध बेहतर हों और इसके लिए यदि दोनों देशों की सरकारों को लगता क्रिकेट इसका सही रास्ता है, तो यह सीरीज जरूर आयोजित की जानी चाहिए। आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन का इस्तीफा। इंडियन प्रीमियर लीग के विवादास्पद सीओओ सुंदर रमन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे बीसीसीआई ने तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। 2020 टूर्नामेंट के छठे संस्करण के स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के कारण विवादों में आने के बाद से रमन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। इस मामले की जांच कर रही जस्टिस लोढ़ा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में रमन पर सवाल उठाए थे। रमन को आईपीएल 6 भ्रष्टाचार मामले में इसी महीने 15 नवंबर को जस्टिस लोढ़ा समिति के समक्ष भी पेश होना है। समझा जाता है कि मनोहर ने रमन को स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। वर्ष 2050 तक आर्कटिक में बर्फ कम, पानी अधिक होगा। समूचे आर्कटिक समुद्र तट और आर्कटिक महासागर के अधिकतर भाग में वर्ष 2050 तक बर्फ कम और पानी अधिक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कटिक एंड अल्पाइन रिसर्च में अध्ययन का नेतृत्व करने वाली केटी वर्नहार्ट ने बताया कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि किस प्रकार आर्कटिक में समुद्री बर्फ के स्तर में कमी आ रही है। अगर आप आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसी तरह अध्ययन में कहा गया है कि 2070 तक ड्यू पॉइंट में एक वर्ष में करीब 200 दिन कोई समुद्री बर्फ नहीं होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।